कम बैक टू दी चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसे क्या कहते हैं, कल जो मेरे घर में आई थी, जिनको मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, तो उनको मैंने अपने घर में ही रख लिया है, यानी मैट एज अ काम करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा जितना जो होगा, जो मेरे घर में पकेगा, आप भले वो ले जाया करना, कोई मसला नहीं है। वो भी खुशी खुशी आ गई हैं और काम उनके लिए उन्होंने राज़ी हो गई है वो, क्योंकि मेरी आगे हालत ऐसी है कि मैं जो है ना काम वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकती। जुनैर को भी संभालना, फिर ऊपर से फिर बार बार ज़्यादा परेशानी जुनैर को संभालने की नहीं होती, जब वो चले जाते हैं उनको उठा के लाने में, तो आपको पता है अब ज़्यादा वेट वगैरह नहीं उठा सकती हूँ मैं, अभी थोड़ी कंडीशन मेरी ऐसी चल रही है। तो इसे क्या कहते हैं, तो बस मैंने आगे, मुझे वैसे भी किसी की ज़रूरत तो थी ही, कि मैं आगे, मैं इस चीज़ के लिए बहुत परेशान थी कि मैं किसको रखूँगी, कौन मेरी आगे देखभाल करेगा, या कौन जो है ना आगे इस तरह से मुझे जो है ना केयर कर पाएगा मेरी, क्योंकि पहले मैं अपने ससुराल में थी जुनैर जब होने वाले थे, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे तो सब थे, केयर हो जाती थी। और ना आए दिन मुझे डर लगा रहता था यार, मैं कहीं गिर गई, जुनैर को कौन देखेगा, अल्लाह ना करे चक्कर आते हैं, वोमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है तो क्या होगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है ना खुद ही अल्लाह का बंदा भेज दिया और मेरी भी प्रॉब्लम हल हो गई, वो भी माशाल्लाह बहुत खुश है। तो बस मैंने कहा जो है ना, जो भी मैंने कहा कि ना आपके लिए हो सकेगा मैं आपके लिए कर दिया करूँगी, ठीक है। तो बस मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ, तो उनको मैंने रख लिया है। उनकी बेटी भी माशाल्लाह से साथ ही आती है उनके, वो कहने लगी कि ना मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ, मेरी बेटी साथ ही आया करेगी मेरे। और आज जो है वो मुझे जाना है अपनी नंद के यहाँ, तो इसे क्या कहते हैं, उसने जो है वो दावत रखी, और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि अपनी नंद भी दिखाए, तो वो कैमरे के आगे बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि उसकी हस्बैंड जो है, यानी जो मेरे नंदोई हैं, मेरी नंद के जो शौहर हैं, वो जो है ना वो इतने उनकी इजाज़त नहीं है कि वो जो है वो कैमरे के आगे आए, तो इसलिए सॉरी। हाँ यह है कि मैं उसका घर वगैरह दिखा दूँगी, ठीक है, और जो है ना क्या पकाया है क्या नहीं, ये भी सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मुझे जो है ना करना है फ्रिज साफ, और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से वो सुबह ही आ गई थी, कहने लगी कि ना मैं बहुत खुश हूँ आप मेरी आप इतनी हेल्प कर रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस मेरे लिए दुआ कर देना, तुम भी तो मेरा इतना मतलब एहसास कर रही हो, तो एक दोनों एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं। उन्होंने मेरी ज़्यादा वो ना शायद ना भी आती, मगर उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में सुना कि मेरी कंडीशन ऐसी है, तो वो आ गई। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह दोपहर के 2 बज रहे हैं और घर का पूरा काम हो चुका है। तो चलिए मैं आपको लेके चलूँ, आज फ्रिज साफ करना है, फ्रिज काफ़ी गंदा हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए किचन भी साफ हो चुका है, तो अभी हम कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, सोच रहे हैं बहुत भूख लग रही है, रिजवाना नाम है उनका, रिजवाना को भी बहुत भूख लग रही है और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यहाँ देखें सब सफाई हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बस अब मुझे किचन साफ़ करना है, क्योंकि आपको पता है रमज़ानों की प्रिपरेशन करनी है, मुझे सारी सौदा लेकर आना है। और घर में जो है ना ये देखें फ्रिज की हालत है क्या, अभी ये कितना गंदा हो रहा है, और मैं इसको अब आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। इसको मुझे नीट एंड क्लीन करना है बिल्कुल, बर्फ़ वर्फ का पानी वानी थोड़ा जमा हुआ है, तो ये सब साफ़ करना है, ठीक है। और अभी हम खाने का कुछ सोच रही हूँ कि क्या करूँ खाने के लिए, सोच रही हूँ कि बाहर से बिरयानी मंगवा लेती हूँ, थोड़ा फरजाना नाम है ना या रिजवाना, फरजाना नाम है इनका, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बिरयानी भी मंगवा लूँ, बिरयानी मंगवा लेते हैं बाहर से, ये भी खा लेंगी मैं भी खा लूँगी, तो थोड़ा पेट में वो हो जाएगा। और आपको पता है बार बार भूख लगती है, मुझे भी मुझे ना बार बार भूख लगती है, मगर किसी को देख के ना ज़्यादा भूख लगती है कि कोई और हो। वैसे मैं पूरे दिन में ना एक ही टाइम ही खाना खाती हूँ कि ना बस सुबह ही खाया, मगर अब जो है थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, मगर फिर मैंने कहा अभी हॉस्पिटल वगैरह जाऊँगी, सब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, तो वैसे भी कोई छुपाने वाली बात नहीं, छुपेगी भी नहीं, मेरी कंडीशन से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए बस अब एक दो दिन में हॉस्पिटल डिसाइड करना है कि कहाँ नाम लिखवाना है, नाम वगैरह लिखवाने जाऊँगी, ठीक है।
तो बस यही था अभी तक के लिए। तो चलिए अब फूड पांडा से मैंने खाना ऑर्डर किया, अगर खाना आ जाता है तो फिर खाना खाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा खाना खाते हुए। और फिर मैं फ्रिज भी साफ़ करना है तो मैं फ्रिज साफ़ करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है? मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस घर का सारा काम वाम तो हो गया था, फ्रिज रह गया था, फ्रिज भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, ये देखें, क्योंकि आपको पता है फिर रमज़ानों की प्रिपरेशन करके रखनी है तो फिर सब साफ़ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन हम लोग तो जाएंगे, सैटरडे को हम जाएंगे शॉपिंग करने, ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए, ठीक है? तो फिर उसके बाद सारी प्रिपरेशन करूँगी रमज़ान की। अभी मैं जा रही हूँ अपनी नंद के यहाँ, तो चलिए मिलती हूँ अपनी नंद के यहाँ जाके, ठीक है? आ गई हूँ मैं अपनी नंद के यहाँ। तो बाल थोड़े गीले थे इसलिए मैंने खोल दिए ताकि कि वो सूख जाए। तो यहाँ पे अम्मी लोग पहले ही आ गए थे, जेठानी भी आ गई है, उनकी दोनों बच्चियाँ भी आ गई, और यहाँ पे फ़ायदा ने बना ली है चाय। फ़ायदा मेरी नंद है, आपको पता ही होगा शायद नाम, शायद पता नहीं, मैंने आपको बताया नहीं बताया। तो यहाँ पे उसने चाय बना ली है, साथ में उन्होंने नाश्ता लगा दिया पहले हमारे लिए। तो ये देखा दिखाती हूँ मैं आपको कि नाश्ते में क्या क्या है, और ये सब टूटे पड़े हैं, ये देखें। अम्मी हाय कह दो। अस्सलामुअलैकुम। और ये देखें, आइए अभी नाश्ता खाइए, चाय पीजिए। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने मंगाए हैं समोसे, रोल, और ये चिप्स ले आई है। तो कहने लगी कि ना शाम का टाइम है, थोड़ा पहले हम थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते फिर रात को खाना खाएंगे। ये खुली नहीं रही है। तो अभी मैं आपको अपने नंद का जो है वो होम टूर भी करवाऊंगी, दिखाऊंगी कि उनका घर कैसा है। माशाल्लाह से अभी उनकी शादी को कितना अर्सा हुआ अम्मी? 3 साल। 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लगा हुआ है। तो माशाल्लाह अभी उसका फर्नीचर वगैरह अभी सब नया ही है, तो मैं सब आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से उसका घर भरा हुआ ही है। और यहाँ पे आ गई है हमारी चाय। कराओ। नहीं ऐसे नहीं बता सकते। ये क्या कर रही हो? तो यहाँ पे ये देखिए चाय आ गई है हमारे चार किस्म की। तो बस यहाँ पे ये हो रहा है, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, मैं दिखाती हूँ हमारे कबूतर भी रखे हुए, कबूतरों को भी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है? क्या कर रहा है ये, आप सुन रहे हैं आवाज़? सुन ले, आवाज़ सुन के आप पता लगा ले कि यही है मेरी नंद, ठीक है? और शक्ल वगैरह भी नहीं दिखा सकती, ठीक है? मिलते हैं। की इजाज़त नहीं। हाँ मैंने बता दिया आज, मैंने उनको बोल दिया है कि किसी ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने वो बता दिया। तो चलिए गाइस मिलती हूँ खा के। हमें फुल इजाज़त दी है माशाल्लाह। तो गाइस ये है, ये घुसते ये गेट है, गेट के अंदर ये कमरा है। यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं 2 सोफे, ठीक है? और ये है एक रूम, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि वो वाला कमरा थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे जो है ना अलमारी यहाँ पे रख दी है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है ना ये शोकेस है, ठीक है? ये सारा जो है वो अभी न्यू ही है माशाल्लाह से, क्योंकि अभी तो इनकी शादी हुई थी, 2 साल ही हुए हैं। और ये एक कमरा है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ठीक है? ये देखें, तो आज हम सब आए हुए थे तो मैंने कहा डाल देती हूँ। तो ये देखें सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ड्रेसिंग है, ये सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। फैमिली टाइम चल रहा है, सब ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म ड्रामा जो भी। तो ये है, फिर एक रूम वो है, एक रूम ये है, और ये आ गया छोटा सा सहन टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे किचन दिया हुआ है, ठीक है? और ये फ्रिज, किचन में ही फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के बराबर में ही यहाँ पे जैसे मेरे है कूलर रखा हुआ है फ्रिज के, मतलब के शेल्फ वगैरह सेम वैसा ही बना हुआ है सारा। और ये वो चूल्हा तवा ये वो, ये तो किचन की ग्रॉसरी आप लोगों को तो सब पता ही है। ये देखिए प्यारे प्यारे से कबूतर। और यहाँ पे इन्होंने बाथरूम के बराबर में बेसन दिया हुआ है, और ये वॉशरूम है, ठीक है? वॉशरूम नहीं दिखा रही क्योंकि अभी मेरा छोटा देवर नहा रहा है, वो जो घर पे ताला लगा हुआ था तो वो इधर ही आ गया, कहने लगा चलो मैं इधर ही नहा लूँगा।
तो ये था मेरा मेरी नंद का घर यहाँ पे, जब मैं शादी होके मैं यहीं आई थी। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप शादी होके कहाँ गई थी, तो मैं यहाँ आई थी। ठीक है, और ये था यहाँ जो है ना, मतलब मैं पहले यहाँ रहती थी, फिर उसके बाद में अम्मी के यहाँ गई थी। ठीक है, तो ये थी सारी आज का, मैंने होम टूर भी दे दिया आपको अपनी नंद के घर का। तो बस ये है, मिलते हैं आप खाने पे, देखते हैं खाने में क्या लगा रही हैं वो। तो अभी रोटियां बना रही हैं वो, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब खाना लग चुका था। ठीक है, और अब हम सब खाना वाना खाने वाले थे, रात के बज चुके थे 10। तो काफ़ी इंजॉय किया था, हमें काफ़ी मज़ा आया था। मगर इसे क्या कहते हैं, बस फिर खाना खाने के बाद तो कोई मज़ा वगैरह नहीं आता। तरबूज भी खाया था हम लोगों ने माशाल्लाह से, उसने शुरू में समोसे वगैरह भी रख दिए थे, तो माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट थी। और माशाल्लाह कड़ी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। ठीक है, और साथ में निहारी भी बहुत मज़ेदार सी बनाई थी फ़ायज़ा ने। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।